4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं सभी। और डी वाई क्योंकि ये किसके इक्वल है आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है तो इसको भी हम किसके इक्वल कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। तो यहां पर इस समीकरण में लाकर इसको पुट किया जा सकता है पूरे सिस्टम को। तो क्या होगा आपके पास में dy by dx को क्या पुट कर सकते हैं dt upon dx minus 4। इसको हमने पूरे को क्या माना था भाई t। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में t square और dt by dx equal क्या लिख सकते हो t square plus का 4 plus it 4। अगली स्टेप अपनी इसमें क्या बनेगी देखो ध्यान से देखना भाई अपना क्या करना है चरों को पृथक करना है। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट किसका है टी का तो टी वाले को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन पहले इसको ट्रांसफर कर लीजिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा डी एक्स। दोनों पक्षों में क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी टी इक्वल क्या बनेगा आपके पास में डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपके पास क्योंकि ये कैसा फॉर्मेट हो गया 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट dt इक्वल इंटीग्रेशन डॉट ds। ये कैसा फार्मूला बन गया आपके पास इंटीग्रेशन का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t / 2 लिख सकते हो। इधर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x plus c 2 को ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या होगा tan इनवर्स t / 2 इक्वल इधर क्या मिल गया 2x plus 2c। यहां पर जो इनवर्स है इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूं कर सकते हैं तो क्या होगा आपके पास में t / 2 इक्वल tan इनवर्स 2x plus पूरे पे फॉर्मेट पे आएगा कंप्लीटली आपके पास में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीटली 2c। यहाँ पर t की वैल्यू आप कर सकते हैं कर सकते हैं क्या तो t की वैल्यू क्या है आपके पास 4x plus 5 plus 1 नीचे जो 2 है उसको भी इसकी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ले रहे हो। और जब भी आपके पास कांस्टेंट राशि में कोई भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट राशि होती है तो उसको लास्ट में पूरे को मैनेज करेंगे क्या बोलेंगे c। तो आपके पास आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके यस सर। तो आपको बताया गया है कि जो अवकलन समीकरण है इसको अपने को हल करना है तो चरों को पृथक करने वाली है अवकलन समीकरण थी जिसमें अपन चरों को आसानी से पृथक नहीं कर पाते हैं तो अपन क्या करते हैं उसमें प्रतिस्थापन करते हैं क्या करते हैं प्रतिस्थापन। तो हमने इसको क्या मान लिया t माना t मानने के बाद x के सापेक्ष आपने अवकलन कर दिया पूरे को dy / dx से इक्वल कर दिया। वापस आपने प्रतिस्थापन जो पुट करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया dy / dx = dt - 4 पूरी लैंग्वेज आपको स्टेप से सॉल्व करनी है। तो जैसे भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है